सिस्टम सिस्टम और सिस्टम। आप किस सिस्टम पर काम कर रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है हम नहीं बता सकते, पर हाँ आजकल बिग बॉस के घर में किसका सिस्टम चल रहा है ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है। इतना सुनने के बाद एल्विश यादव के अलावा किसी और का नाम सोचना भी गुनाह है, सही बोला ना। इस बार बात एल्विश की हो रही है तो चलिए हम आपको आज बताते हैं कि एल्विश का ये सिस्टम कितना ज्यादा बड़ा और विस्तृत हो चुका है, यानी कि उसकी पहुंच कहां तक है। नहीं समझे? दरअसल एल्विश के फेवर में इस वक्त छोटे पर्दे और बड़े पर्दे के काफी सारे सितारे बोलने पर उतर आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस सेलिब्रिटी ने एल्विश के बारे में क्या कहा है। देखिए अब हर जगह एल्विश के सिस्टम का बोलबाला है, टीवी हो या घर, जनता हो या सेलेब्स, सभी की जुबान पर सिस्टम शब्द बढ़ चढ़कर चढ़ा हुआ है। इसकी पहली और आखिरी वजह जाहिर सी बात है एल्विश है। उन्होंने बिग बॉस OTT2 में जाकर इस शब्द को इतना पॉपुलर कर दिया है कि अब हर कोई सिस्टम की ही बात कर रहा है। यहां तक कि आलिया भट्ट ने इवेंट के दौरान उनकी तारीफ की है। आलिया ने शो पर बात करते हुए कहा, एल्विश का स्टाइल और गेम काफी पसंद आया, वो मुझे बिग बॉस के घर के रॉकी लगते हैं, वो जिस तरह बोलते हैं और रहते हैं उनका स्टाइल सबसे हटकर नजर आता है। खैर बता दूं जानकारी के लिए कि आलिया भट्ट की ही स्टेप सिस्टर पूजा भट्ट भी शो के अंदर मौजूद हैं। बता दें कि आलिया के बाद टेलीविजन एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी भी एल्विश की फैन हो चुकी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एल्विश को स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बताया। एक्ट्रेस का कहना है कि वो अच्छा गेम खेल रहे हैं और उन्हें फिनाले में होना चाहिए। दिव्यांका के अलावा यूविका चौधरी और अर्चना गौतम भी एल्विश यादव के सपोर्ट में उतर आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिनाले में जो की है बाजी पलट सकती है। दरअसल बिग बॉस के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट विनर बना हो। कई लोग फिनाले तक जरूर पहुंचे हैं लेकिन विजेता की ट्रॉफी नहीं ले पाए, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद में राखी सावंत है। वो लगभग जाने कितने ही सीजन में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे एंट्री मारती हैं, शो की TRP बढ़ाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विजेता नहीं बन पाती। बिग बॉस में एल्विश ने चंद दिनों में साबित कर दिया कि वो शो के विनर बनने लायक हैं। लड़ाई झगड़े हटा दिए जाए तो वो हर टास्क करते हैं और पूरी तरीके से अपनी पूरी क्षमता लगा के करते हैं। एंटरटेन भी कर रहे हैं, दोस्ती भी निभाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं और गलतियां मानकर उसे सीखते भी हैं। कुछ भी कहो लेकिन इंटरनेट पर अब अभिषेक मल्हान और पूजा भट्ट से ज्यादा एल्विश के लिए ट्वीट किए जा रहे हैं। हर कोई उन्हें शो जीतते हुए देखना चाहता है। ऐसे में अगर वो शो जीत जाते हैं तो सच में ये सीजन इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। आखिर पहली बार ऐसा जो होगा कि वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट जीतेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ निशन पर। धन्यवाद।